हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी होम रेस्टोरेंट। आज हम बनाएंगे राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी राजस्थानी कढ़ी, जो वहाँ बहुत फेमस है। जैसे कोई भी शुभ काम हो, शादी ब्याह, कोई भी पार्टी, बिना कढ़ी के वो अधूरा होता है। मतलब हर एक रस्म पे, हर एक फंक्शन पे, जितने भी सारे आइटम बन जाए, बिना कढ़ी के सुना सुना सा होता है। तो वही रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। राजस्थानी कढ़ी के लिए सबसे पहले हमें बेसन चाहिए होगा, तो मैंने एक कटोरी बेसन लिया हुआ है, वो किसी बड़े से बर्तन में पहले डाल देते हैं। अब जितना बेसन लिया हुआ है उतना ही इसमें दही ले लेंगे। अब इसी में साथ में डाल देते हैं एक कटोरी पानी। मैंने मेजरमेंट जो लिया हुआ है अभी इसी कटोरी से लिया हुआ है, तो पहले एक कटोरी पानी डाल के इसको हमें बहुत अच्छे से फेंटना है, बहुत अच्छे से फेंटना है। कढ़ी में जो है कहीं से भी लम्स ना रहे, इसलिए बहुत अच्छे तरीके से मिलाएंगे। राजस्थानी खाना तो वैसे कितना हल्का होता है, मतलब वहाँ के मसाले और हर एक चीज़ बहुत ही फेमस है, लेकिन खाना आप बनाइए और बहुत हल्का होता है। तो इसको पहले अच्छे से फेंट देते हैं। जैसे अच्छे से मिक्स होने लगे तो थोड़ा इसमें पानी डालेंगे। इतना हमें थिक नहीं रखना है, इसको पतला रखना है, लेकिन एक साथ अगर ज़्यादा पानी डाल के जैसे ही मिक्स करेंगे वो अच्छे से होगा नहीं, कहीं ना कहीं इसमें लम्स आ जाते हैं जो फटने लगेगा। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल लेते हैं। और राजस्थानी कढ़ी जो होती है वो प्रॉपर जो पतला होता है, मतलब ऐसा नहीं होता है कि मोटा होता है, इसमें पकौड़े नहीं होते हैं, तो इसको कटोरी में ले के पीने में बड़ा अच्छा लगता है। तो इसको पतला सा हमें बनाना है, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको पहले पतला सा घोल तैयार कर लेते हैं। इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अभी इतना कर दिया है, बहुत अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें पानी अगर और जा सकता है तो जब हम बनाएंगे कढ़ी तो कढ़ाई में भी डाल सकते हैं। अब चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ी बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल गरम किया है। बेसिकली ये जो बनती है कढ़ी, तो ये घी में बनता है। राजस्थान में तो घी में हर एक चीज़ बनती है, हर एक रेसिपी, लेकिन मैंने यहाँ पर सरसों तेल इस्तेमाल किया हुआ है। तो आप चाहें तो यहाँ पर क्या करेंगे, घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ये तेल या घी गर्म हो जाएगा वैसे हमें तड़का देना है। तो जैसे कि मैंने सारे जो साबुत मसाले हमारे पास होते हैं किचन में, सब वही रहेंगे। तेजपत्ता है, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च के दाने हैं कुछ, मेथी दाना है, हींग है, और ये सौंफ है जो बहुत ज़रूरी है, टेस्ट बहुत अच्छा आता है इससे। राई है, साबुत जीरा, कुछ लौंग है, और ये साबुत धनिया। तो इसकी जगह आप, मतलब ये हमारे किचन में होते होते हैं, तो ये सारे मसाले जो मैंने एक साथ कर दिया है, तो गैस को स्लो रखेंगे और एक साथ इसमें डाल देते हैं। अब इसी में डाल देंगे बारीक बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, और ये अदरक है बहुत बारीक कटा हुआ, ये डाल देंगे। कसूरी मेथी है, ये भी डाल देंगे। अब इसी में हल्दी पाउडर ले लेते हैं। हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा जाती है तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा डाला हुआ है, और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी डाल देंगे। गैस को स्लो रखना है, जब जैसे ही मसाले जाएंगे, गैस तेज रहेगा तो जल जाएगा। कुछ सेकेंड के लिए हमें हल्का सा इसको सौते करना है तेल में ही। अब जैसे ही थोड़े से मसाले हमारे चटक जाएंगे साबुत वाले, वैसे ही ये घोल को हमें डालना है कढ़ाई में। घोल को डालते हुए गैस को धीमा रखेंगे और एक साथ पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा डालेंगे, और इसको बहुत तेज़ी से चलाना है, लगातार चलाना है, क्योंकि कढ़ी जो है, कोई भी कढ़ी आप बनाए तो फिर फट जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और लगातार चलाते जाएंगे। अब हमें मीडियम कर देना है गैस को, मीडियम और हाई पे ही पकाना है। और जो हमने घोल डाला हुआ है ये बर्तन में थोड़ा लगा हुआ था, तो थोड़ा पानी और डाल देते हैं। अगर लगेगा कि पानी और इसमें जा सकता है तो यहीं पे आप पानी को और ऐड कर सकते हैं। अब इसको हमें लगातार चलाना है, इस यहाँ पे ज़रा सा भी हमें अपने हाथ को ढीला नहीं छोड़ना है, जब तक कि बढ़िया सा उबाल ना आ जाए। कढ़ी में जो है उबाल आने लगा है, कलर देखिए चेंज होने लगा है, और ये थोड़ा कम भी होने लगा है। तो अभी इसमें थिकनेस है, तो इसमें हम पानी अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना कि हमें रखना है। तो अब यहीं पे क्या करेंगे, पानी और डाल देते हैं। तो पानी मैंने यहाँ पे डाल दिया है जितना मुझे लग रहा था कि जितना मुझे पतला रखना है। अभी इसको लगभग 10 मिनट तक हमें पकाना है, और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब फटने का चांस तो नहीं है, लेकिन बीच में चलाएंगे क्योंकि ये चिपकने लगता है। तो ऐसे ही चलाते हुए कुछ बीच में छोड़ देंगे, लेकिन गैस को हाई फ्लेम पे रखना है और 10 मिनट तक पकाना है।
5 मिनट लगभग हो गए हैं इसे उबलते हुए, तो किनारे किनारे से ऐसे ही बीच से हमें चलाते रहना है, फिर छोड़ देंगे अपने आप उबाल आ जाएगा। और देखिए थोड़ा सा कम भी हो रहा है, कलर भी चेंज हो रहा है। मैंने नमक नहीं डाला था कि लास्ट में डालना होगा, क्योंकि फिर टेस्ट करके उसी हिसाब से हो जाता है ना कि नमक कम ज़्यादा कितना रखेंगे। तो अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेते हैं। नमक डालने के बाद से इसको अच्छे से चला देंगे और इसको लगभग और 5 मिनट तक इसको ऐसे ही पका लेते हैं। 10 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, तो कढ़ी का कलर देखिए चेंज हो गया है, किनारे किनारे जो है तेल छोड़ दिया है, खुशबू भी बहुत बढ़िया आ रही है जो खड़े मसाले हमने डाले हुए हैं। तो कढ़ी हमारी बन के तैयार हो गई है, गैस को बंद करते हैं और इसके तड़के लगाने की तैयारी करते हैं। कढ़ी में तड़का जो है घी में जाएगा, इसीलिए मैंने घी में नहीं बनाया है। राजस्थान में तो घी फेमस है, हर एक चीज़ में घी जाता है। तो घी को पहले अच्छे से गर्म कर लेते हैं। जैसे ही घी गर्म हो जाए गैस को स्लो रखेंगे और डाल देंगे हींग। इसके बाद से राई डाल देंगे और साबुत जीरा भी डाल देंगे साथ में ही। जैसे ही चटकने लगे, ये खड़ी मिर्ची है, कश्मीरी लाल मिर्च है, मैंने इस्तेमाल किया है, आप तीखी वाली भी डाल सकते हैं। इसको डाल के हल्का सा इसको चटकाना है और अब डालेंगे लास्ट में करी पत्ता। तो करी पत्ता डालते समय गैस को बंद रखेंगे, बहुत तेज़ झटक के ऊपर आता है, तो इसको डाल देंगे। करी पत्ता के साथ में ही कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। ये सब गैस बंद करने के बाद ही डालेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी ये जल जाता है। अब चला देते हैं, जो घी गर्म है इसी गर्माहट में ये पूरा अच्छे से पक जाएगा। अब जो कढ़ी बनी हुई है उसी में बढ़िया सा एक तड़का लगा देते हैं। देखिए मज़ेदार सी राजस्थानी कढ़ी कितने जल्दी बन गया है। घर पे जो हमारे किचन में सामान होता है उसी से बनता है, बहुत प्यारा लग रहा है। इसको प्लेन राइस, जीरा राइस के साथ लोग खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो आज की राजस्थानी कढ़ी की रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करिए। और चैनल पे अगर आप नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो मेरे और रेसिपीज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। थैंक यू।